कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? वे सभी यौगिक जिनमें कार्बन विद्यमान रहता है उन्हीं को हम लोग बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक के अध्ययन को ही हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन, उसके अध्ययन को ही हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। जिस तरह से हमने कार्बनिक यौगिक पढ़ा उसी तरह से हम जानेंगे अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है? तो ये हमने जैसे जाना कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे उनमें कार्बन सदा रहे, कार्बन हमेशा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस जिस यौगिकों में कार्बन है वो हमेशा कार्बनिक ही होगा। अगर कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन जरूर होगा, ठीक। लेकिन कार्बन अगर किसी दूसरे यौगिक में है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हमेशा कार्बनिक ही होगा, वो अकार्बनिक भी हो सकता है। तो कार्बनिक का ठीक उल्टा ही हम बोलते हैं कि मैक्सिमम ये देखा गया है जिन जिन पदार्थों में कार्बन नहीं रहता है उन्हें हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, यानी कुछ ऐसे यौगिक है जिनके अंदर कार्बन होने के बावजूद भी वो अकार्बनिक है। जैसे उदाहरण के लिए कार्बोनेट्स हो सकते हैं, उदाहरण के लिए कार्बोनेट हो सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर हम दें CA कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसके अंदर देखो कार्बन है लेकिन कार्बन होने के बावजूद भी ये एक अकार्बनिक है। क्यों अकार्बनिक है ये हम थोड़ी देर में और विस्तार से जानेंगे, अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे किसी भी कार्बन यौगिक के होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है जो यहाँ पे नहीं है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का है, ठीक। उसी तरह से हम देखते हैं कार्बाइड्स, अगर हम देखें सिलिकॉन कार्बाइड SiC2, अब ये भी इसके अंदर भी कार्बन है लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है, एक अकार्बनिक है। क्यों अकार्बनिक है? क्योंकि इसमें कैटेनेशन के गुण नहीं है, आइसोमेरिज्म यानी समवायता के गुण नहीं है। अब ये जो गुण हम बोल रहे हैं कैटेनेशन समवायता, ये गुण हम थोड़ी देर में और विस्तार से जानेंगे, अभी के लिए जान लेते हैं कि ये कार्बन होने के बावजूद भी ये अकार्बनिक किस श्रेणी में आता है। उसी तरह से हम साइनाइड है, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड है HCN है, ठीक, सोडियम साइनाइड है NaCN है, इसके अंदर कार्बन है, कार्बन होने के बावजूद भी ये क्या है, अकार्बनिक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन है लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, अकार्बनिक है, ठीक। तो जितने भी कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, साइनाइड्स हैं या इवन कार्बाइड्स हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस है जो कार्बन होने के बावजूद भी अकार्बनिक है और बाकी जितने भी हैं वो सब अकार्बनिक ही हैं, ठीक। लेकिन ये कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कार्बन होने के बावजूद भी अकार्बनिक की श्रेणी में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके गुण जो है वो कार्बनिक यौगिकों के गुण से अलग है, उनके से अलग है, यानी इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कार्बनिक यौगिक में होनी चाहिए थी जो इनमें नहीं है, ठीक। जैसे हमने जाना कैटेनेशन का गुण नहीं है, आइसोमेरिज्म का गुण नहीं है, इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक ज्यादा है जो कि कार्बनिक यौगिक में कम होना चाहिए। ये जो है ये विद्युत के सुचालक कहलाते हैं जो कि कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्यों होते हैं ये हम थोड़ी देर में जानते हैं, अभी के लिए जैसे हमने जाना कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर हमने जाना, क्लियर हुआ। अब जैसा कि हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक यौगिक में कार्बन हमेशा विद्यमान रहता है, कार्बन सदा विद्यमान रहता है, यानी मेनली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के बारे में तो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ध्यान से देखो, कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या है या चिन्ह, वो है C, यह हमें मालूम है, ठीक है। कार्बन क्या है, एक अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु यानी नॉन मेटल। कार्बन का सिंबल C है, एक अधातु है जो कि एक नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन देखा गया है, ये परसेंटेज के हिसाब से देखा गया है कि हमारे अर्थ में जो कार्बन जो है खनिजों के रूप में, ठीक, खनिजों के रूप में कार्बन हमें मिलता है 0.02% अर्थ में मिलता है, यानी सॉइल सॉइल में मिलता है खनिजों के रूप में 0.02%, ठीक। और हमारे वातावरण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है 0.03%, ठीक, 0.03% मिलता है। सभी सजीवों में, जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों में
लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, सभी में कार्बन जो है यौगिक के रूप में यानी कंपाउंड के रूप में कार्बन मिलता है। ठीक है, कार्बन का अगर हम देखें, कार्बन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है, वह है 6। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो वो क्या आएगा, 2 और 4, यानी के कक्ष में 2 और L कक्ष में 4। ठीक, एल कक्ष में 4 है, एल कक्ष में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो कार्बन क्या कोशिश करेगा, कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी अपने निकटतम नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, कार्बन के निकटतम नोबल गैस कौन सा है, नियॉन है या हीलियम है। अब इसे नियॉन बनने के लिए, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे क्या करना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। और अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, वह है 2, और नियॉन का क्या है, वह है 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो 2 ही होगा, और इसका क्या होगा, 2, और नियॉन का 2 और 8। देखो बाहर का कक्ष, के कक्ष भी भरा हुआ है, एल कक्ष भी भरा हुआ है, के कक्ष भरा हुआ। तो कार्बन वो हो चार, अब हमेशा कोशिश क्या करेगा, नियॉन बनने की या हीलियम बनने की, निकटतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने की कोशिश करेगा, निकटतम अपने नोबल गैस की। नियॉन बनने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन, उसके 4 है एल कक्ष में, उसे 4 और ग्रहण करेंगे 8 बनाने के लिए, यानी वो 4 ग्रहण करेगा। और हीलियम बनने के लिए उसे 4 त्यागने पड़ेंगे, तब जाके उसका के कक्ष भरा हुआ होगा। ठीक है, तो इस केस में ध्यान से देखो होगा क्या, सबसे पहला केस देखो, कार्बन का वैलेंसी, कार्बन की अगर वैलेंसी हम यहीं से देखते हैं, कार्बन की वैलेंसी क्या दिख रही तुम्हें, 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक, और इसीलिए इसे चतुसंयोजी बोलते हैं या चतुस्संयोजी बोलते हैं। ठीक, टेट्रावेलेंट बोलते हैं इसे, क्यों, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है, वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो ले सकता है। अब क्या वास्तव में, वाकई में वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा क्या, या वाकई में वो 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन में है। अब ध्यान से देखो, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन देगा, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो क्या बनेगा, C4+, यानी धनायन बना। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो क्या बनेगा, C4-, यानी ऋणायन बनेगा। ठीक, तो क्या वाकई में 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के वो C4+ या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके C4- बन सकता है। इस केस में देखो, जब कार्बन नॉर्मल कंडीशन में था, तब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, हमें मालूम है प्रोटॉन एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के ऊपर होती है, तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 ही है। ठीक, तो जब वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तब क्या होगा, और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है तब क्या होगा। मान लो उसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से अगर ले रहा है, तब उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, बाहरी कक्ष में यहाँ 4 और एक्स्ट्रा आएंगे, तो होंगे कितने, 6 तो पहले ही थे, यानी 10। 10 अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 10, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी, प्रोटॉन की संख्या तो अभी भी 6 ही है, ठीक है ना, यानी 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने में ये इम्पॉसिबल लग रहा है ना, 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इस केस में क्या होगा, अगर वो किसी को अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2, और प्रोटॉन कितने बचेंगे, 6। तो 6 प्रोटॉन नाभिक के, कार्बन के नाभिक यानी न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, लेकिन बाहरी कक्ष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वो बहुत ज्यादा लगेगी, जो कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं। तो कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, यानी ना ही वो धनायन बनेगा ना ही ऋणायन बनेगा, यानी वो आवेशित नहीं बन सकता। तो इस समस्या को कार्बन किस तरह से हल करेगा, इस समस्या को कार्बन हल करेगा, यानी वो जो बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अष्टक बनाने के लिए, इस समस्या को कार्बन हल करेगा 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, यानी कार्बन हमेशा क्या बनाएगा, सहसंयोजी बंधन बनाएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किससे लेगा नहीं या किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन बांटेगा। ठीक, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बांटेगा। तो इसीलिए कार्बन की वैलेंसी क्योंकि 4 है, इसलिए उसे बोला जाता है चतुस्संयोजी या
इंग्लिश में से कहते हैं टेट्रावेलेंट, TTRA टेट्रा, इसलिए उसे बोला जाता है चतुसंयोजी या टेट्रावेलेंट। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया? जैसे कि हमने जाना कार्बन की वैलेंसी चार है और वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके या ग्रहण करके धनावेशित या ऋणावेशित आयन में नहीं बदलेगा, वो क्या करेगा, हमेशा साझेदारी करेगा। तो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंधन। यानी कार्बन अपने ही साथ अपने ही साथ दूसरे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, या कार्बन दूसरे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ भी साझेदारी कर सकता है। और ये जो साझेदारी कर रहा है इसी को हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंधन ठीक, या कोवेलेंट बॉन्ड, या इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ, इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और एक कंडीशन देखो, जिस तरह से हम देख रहे हैं क्या सिर्फ कार्बन ही सहसंयोजी बॉन्ड या बंधन बना सकता है, सिर्फ कार्बन में ही विशेषता है, नहीं कुछ दूसरे तत्व भी हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब भी क्या है, ये सब भी सहसंयोजी बंधन बना सकते हैं। अब कार्बन के बारे में और विस्तार में पढ़ने से पहले और इस बंधन यानी सहसंयोजी बंधन या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और जानने से पहले हम जरा देख लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में बंधन किस प्रकार से होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे जानेंगे कार्बन के बंधनों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले केस देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H, इसकी परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है 1, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। तो हाइड्रोजन का परमाणु जिसका सिंबल H है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन का दर्शन है। तो H2 हाइड्रोजन का अणु H2 कैसे बनता है, ठीक, एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक हाइड्रोजन का परमाणु दोनों मिलकर हाइड्रोजन का अणु कैसे बनाते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, यहां से देखो क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये दोनों क्या अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन पहला वाला हाइड्रोजन क्या अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे सकता है, इसे देने से इसके पास तो दो हो गए, तो फिर इसके पास क्या होगा, कुछ नहीं। क्या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे सकता है, इसके पास तो दो हो गए, यानी इसने अपना निकटतम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया, ये स्थिर हो गया, तो फिर इसका क्या होगा, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन ना इसे दे पा रहा है ना इसे दे पा रहा है, ठीक। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, यानी ये वाला हाइड्रोजन क्या कोशिश करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रखेगा, दूसरे का वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन भी अपने पास लाने की कोशिश करेगा या उसके साथ साझेदारी करेगा, अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को बांट लेगा। तो होगा क्या, देखो किस तरह से इसे बनाते हैं, इस तरह से एक, और ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना तो अपने पास ही रखेगा, दूसरे वाले का जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे बांटेगा, तो बनेगा इस प्रकार से, ठीक। अब अगर इस हाइड्रोजन को हम भूल जाए और इस रिंग को देखें, तो इस हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया, और इस हाइड्रोजन को भूल जाए और इस वाले रिंग को देखें, तो इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया, यानी ऑक्टेट, या इस केस में ड्यूप्लेट होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है तो इस केस में ड्यूप्लेट होगा, लेकिन स्थिर होगा क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बना, यानी हाइड्रोजन का अणु बन गया। और इस ये जो हमने सिंगल बॉन्ड हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, इसे हम चिन्हित करते हैं इस प्रकार से, ये जो एक लाइन है, ये एक लाइन को क्या, इसे क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड या एक लाइन क्या दर्शा रहा है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन के पेयर को साझा किया गया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन दोनों ने आपस में बांटा है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने आपस में साझेदारी की है, तो इन्हीं को बोला जाता है सहसंयोजी बंधन। और किस प्रकार का बंधन है, ये सिंगल बॉन्ड है, एकल बंधन है, एक ही बॉन्ड बना है, ठीक, क्लियर हो, ठीक। उसी प्रकार से ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर है 8,
और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर का, तो होगा 2 और 6। अब देखो बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना अष्टक बनाने के लिए इसे और कितने चाहिए, यानी ऑक्सीजन को अपने निकटतम नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने के लिए यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके बनेगा ये 8, अष्टक होगा कंप्लीट। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु किस तरह से ऑक्सीजन का अणु बनेगा, मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, O2 कैसे बनेगा, यानी अब ध्यान से देखो कैसे। ऑक्सीजन, इसके पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन है। दूसरे ऑक्सीजन देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। अब ये दोनों जब आपस में एक साथ होंगे तो क्या करेंगे, ये कोशिश करेगा 2 इलेक्ट्रॉन इसके लेने की यानी साझेदारी करने की, और ये कोशिश करेगा इससे 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने की, बांटने की। तो इसका देखो चित्र कैसे बनेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे। और अब अगर इस ऑक्सीजन का हम भूल जाए तो इस रिंग में देखो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस ऑक्सीजन का अगर भूल जाए तो इस रिंग में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो दोनों के अष्टक बन गए, यानी दोनों ने अपने निकटतम निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया, ठीक, यानी दोनों स्टेबल हो गए, क्लियर, यानी दोनों ने मिलकर क्या बनाया, O2 बनाया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया, ठीक, अणु बनाया। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुआ, देखो कितने बॉन्डिंग हुए, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई, 1 पेयर 2 पेयर, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का, वो 2 रेखाओं के द्वारा चिन्हित होगा। क्यों 2 रेखाओं के द्वारा चिन्हित हो रहा है, क्योंकि यहाँ का डबल बॉन्ड बना है, देखो यहाँ पे दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन पेयर का बंधन हुआ है, क्लियर हुआ, इसलिए यहाँ पे 2 लाइन है, इसे हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड, इसे कहा जाता है डबल बॉन्ड, क्लियर, समझ गए। सेम उसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन का देखें, नाइट्रोजन मैं यहाँ छोटा करके दिखा रहा हूं, नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, N है, नाइट्रोजन का सिंबल N है, और इसका एटॉमिक नंबर अगर ध्यान दें, एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 5, 2 और 5 होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 5 अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कक्ष में सिर्फ 5 है, तो इसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अष्टक बनाने के लिए, इसे और 3 चाहिए। तो नाइट्रोजन का परमाणु किस तरह से N2 किस तरह से अणु में बदलेगा, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन बाहरी कक्ष में 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर में किस तरह से ये लोग साझा करेंगे, देखो ध्यान से, ये हुआ, ठीक। अब अगर इस नाइट्रोजन को भूल जाओ तो इसको देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अष्टक हो गए। और इसे अगर ना देखो तो इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये कैसे हुए, साझेदारी, सहसंयोजी बंधन। अब यहाँ पे जो कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, देखो 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो इसका चित्र कैसे बनेगा, 1, 2, 3, एंड यहाँ जो बॉन्ड बनाई है ट्रिपल बॉन्ड, यहां जो बॉन्ड बना क्या बना है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब हम एक यौगिक का उदाहरण देखते हैं, एक कंपाउंड, सबसे देखा जाने वाला कंपाउंड जो हम अक्सर देखते हो क्या, H2O यानी वाटर, ठीक। अब H2O में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु है और 1 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन की वैलेंस हमें मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और ऑक्सीजन की वैलेंस हमें मालूम है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसी तरह से हाइड्रोजन की वैलेंस क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 हम हाइड्रोजन दिखा रहे हैं। अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन किस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा, ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, इस हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2, और इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए, और 2,
इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना अष्टक बनाने के लिए, तो साझा किस तरह से कर रहा है देखो, ये और ये। तो इस हाइड्रोजन का अगर देखें तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, एक दो। इस हाइड्रोजन को देखें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दो। और इस ऑक्सीजन को देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, क्लियर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो बन गए अष्टक बन गए। यानी ये जो बॉन्डिंग हुआ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का किस प्रकार का हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ, क्यों, क्योंकि वन पेयर इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हुआ और वन पेयर इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हुआ, तो यहाँ पे क्या बना है, सिंगल बॉन्ड बना। उसी तरह से उदाहरण देखो CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण देखो, कार्बन डाइऑक्साइड उदाहरण देखो, हमें मालूम है कार्बन की वैलेंसी क्या है, छः, कार्बन की वैलेंसी है चार सॉरी, यानी वन टू थ्री फोर, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, छः है, एक दो तीन चार पाँच छः, दूसरे वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी भी वही छः ही होगी, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक। इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना अष्टक बनाने के लिए। इस कार्बन को कितने चाहिए, चार तो है ही है, इसे और चार चाहिए, और इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए, छः तो है ही और दो चाहिए, तो क्या होगा, शेयरिंग किस तरह का होगा, इस प्रकार का, देखो। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस ऑक्सीजन के पास कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और कार्बन के पास कितने हुए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी कुल मिला के आठ, क्लियर। यानी यहाँ पे भी अष्टक कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड बना, क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है ऑक्सीजन के साथ, ध्यान से देखो यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है, साझा कितने पेयर हुआ है, यहाँ पे एक पेयर यानी दो पेयर हुआ, यानी कितने बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड हो गए। यहाँ पे कितने पेयर हुए, दो पेयर हुए, यानी क्या होगा, डबल बॉन्ड। यानी यहाँ पे जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग हुआ वो क्या है, डबल बॉन्ड हो रहा है, क्लियर हुआ। तो यहाँ हमने सीख लिया किस तरह से सिंगल बॉन्ड होता है, किस तरह से डबल बॉन्ड होता है, क्लियर हुआ। अब ये जो सहसंयोजी बंधन हो रहे हैं, अभी तक जो हमने सहसंयोजी बंधन के उदाहरण देखे, इन उदाहरणों में ध्यान से देखो क्या खास बात है, सहसंयोजी यौगिक के जो क्या गुण है, क्या भौतिक गुण है वो देखो क्या क्या है। सबसे पहला अगर भौतिक गुण देखे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, सहसंयोजी जितने भी सहसंयोजी यौगिक होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक जो होगा क्या होगा, बहुत कम होगा, काफी कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड हो रहे हैं, ये जो सहसंयोजी बंधन हो रहे हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो क्या होता है, वो आयोनिक बंधन यानी इलेक्ट्रोवेलेंट बंधन की तुलना में ये जो बॉन्ड्स होते हैं, सहसंयोजी बंधन जो होते हैं, वो काफी दुर्बल होते हैं, काफी वीक होते हैं, ठीक। और ये वीक होने के कारण ही, दुर्बल होने के कारण ही, इसे थोड़ा सा ऊष्मा देने से ही ये बंधन टूट जाते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। सेकेंड जो इसका मेन पार्ट है, गुण जो ये है, अब चूंकि सहसंयोजी बंधन में आवेश नहीं आ रहा है, अनावेशित है ना, कहीं पर भी धनायन है, ऋणायन उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये सहसंयोजी बंधन जो होता है ये कुचालक होता है, क्या होता है, कुचालक या बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिसिटी करंट को फ्लो होने के लिए आवेश की जरूरत पड़ती है, आयन की इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, आवेश की जरूरत पड़ती है, लेकिन सहसंयोजी बंधनों में कोई भी आवेश नहीं आ रहा है, कहीं पे भी धनायन या ऋणायन नहीं बन रहा है, इसीलिए सहसंयोजी बंधन जो होते हैं या सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो मैक्सिमम या मोस्टली देखा गया है वो कुचालक या बैड कंडक्टर ही होते हैं, क्लियर। तो कुछ अब हम लोग मीथेन देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है या बोले जाते सबसे सरलतम यौगिक है कार्बन का, मीथेन। इसका सूत्र होगा CH4, ठीक। ये कार्बन का सबसे सरलतम या सर्वाधिक सरल यौगिक में से एक है, ठीक। अब मीथेन का नाम तुमने पहले भी सुना होगा, और मीथेन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ईंधन के रूप में मीथेन का इस्तेमाल बहुतायत होता है, बायोगैस का या बोला या तो कंप्रेस नेचुरल गैस CNG, अब ये तो सुना ही होगा CNG के बारे में, ऑटो में ग्रीन ऑटो जो आजकल है वो सब CNG चलते हैं, बसेस चलते हैं CNG से, कंप्रेस नेचुरल गैस, उसका जो मेन कंपोनेंट वो कौन है, मीथेन है, मेन घटक प्रमुख घटक है मीथेन, ठीक। मीथेन का सूत्र हमने देख लिया वो है CH4। अब हाइड्रोजन की संयोजकता हमें मालूम है 1 है,
हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, यानी यहाँ चार हाइड्रोजन यानी कार्बन की जो संयोजकता 4 है, उस चार संयोजकता को पूर्ति यानी उसको बैलेंस किसने किया है? इन चार हाइड्रोजन, यानी अगर इसका चित्र बनाए तो ध्यान से देखो, कार्बन इसके वैलेंसी यानी इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है और इन चारों इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस किसने किया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार है, इसको बैलेंस किया है हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन ने। यहां जो बॉन्ड बना है, ध्यान से देखो, यहां जो बंधन बना है वो किस प्रकार का बना है? देखो, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी सब सिंगल 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 बॉन्ड बने, यानी इसका जो है दूसरा चित्र अगर हम बनाएं तो वो दिखेगा इस प्रकार से। देखो, चार सिंगल बॉन्ड बने कार्बन के साथ हाइड्रोजन के एक। तो ये इस चित्र को देख के तुम्हें क्या दिख रहा है? अब ये चित्र अगर तुम देखे जो एक प्लेन पे बना, एक तल पे बना, यहाँ पे लग रहा है कि ये कार्बन एटम सेंटर पे है और हाइड्रोजन एटम जो है चार जगह, यानी बोला है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में हर बॉन्ड के बीच में यानी हर सिंगल बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यही दिख रहा है। लेकिन वास्तव में इसका चित्र इस प्रकार का नहीं है, ये चित्र तुम्हें दिख भी रहा है। देखो, ये चित्र किस प्रकार का है? एक पिरामिड की तरह है, यानी एक ट्रायंगुलर पिरामिड की तरह है, जिसके बेसिस ट्रायंगल के शेप में है, जिसके साइड जो है ट्रायंगल के शेप में, उसको इसे बोला जाता है टेट्राहेड्रन, इसे बोला जाता है टेट्राहेड्रन। यानी मीथेन का जो स्ट्रक्चर है, मीथेन का स्ट्रक्चर जो है वो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यानी ये जो पिरामिड का जो तुम्हें दिख रहा है, पिरामिड के सेंटर में तुम्हें दिख रहा है कार्बन है, और उसके चार वर्टिसेस जो है, चार वर्टिसेस में तुम्हें दिख रहा है चार हाइड्रोजन के एटम्स है। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर असल में दिखेगा कुछ इस प्रकार से, देखो इस रूप में दिखेगा। और यहाँ पे तुम देख रहे हो हर हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स में कार्बन के साथ, हर बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट का आता है। ठीक, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर है कार्बन का, ये बोला है तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कार्बन की जो वैलेंसी हम कार्बन को बोल सकते हैं टेट्रावेलेंट, कार्बन को हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट और टेट्राहेड्रल दोनों सेम चीज नहीं है, टेट्रावेलेंट कार्बन को बोला जाता है, इसका मतलब कार्बन की संयोजकता चार है, कार्बन की संयोजकता चार है, और टेट्राहेड्रल जो है वो स्ट्रक्चर है, जो आकार है इस मीथेन का वो दर्शा रहा है टेट्राहेड्रल को। यहाँ ध्यान दो, उसके बीच में जो एंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने परीक्षा में आता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कार्बन के जो बंध बनते हैं यानी सिंगल बॉन्ड बनते हैं, उनके बीच का एंगल कितना होता है, तो हमें लिखना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड बनता है, ठीक है, एंगल बनता है। पहले ये जैसे धारणा थी कि प्रयोगशाला में कार्बन के यौगिकों को बनाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ सजीवों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के रूप में मिलता है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने खोज से कार्बन को प्रयोगशाला में बनाया और ये देखा कि जो अभी अगर गणना की जाए कि कितने सारे कार्बन के यौगिक उत्पन्न हुए, तो ये देखेंगे कि कहीं वो मिलियंस तक चले जाएंगे, करीब करीब मिलियन तक चले जाएंगे, इतने सारे कार्बन के यौगिकों का संश्लेषण हो चुका है या सिंथेसाइज हो चुके हैं। ठीक, तो क्या कारण है कि कार्बन के इतने सारे अलग अलग रूप मिलते हैं? ठीक, क्या कारण हो सकता है? अन्य सभी तत्वों में के यौगिकों के साथ रखने पर भी इनकी संख्या, यानी जितने भी दूसरे दूसरे तत्वों के जो यौगिक है उनकी संख्या को अगर गिना जाए तो भी हम देखेंगे कार्बन के यौगिक की संख्या उनसे कहीं अधिक है। तो ऐसा क्यों? तो जो हमने देखा कि कार्बन में सहसंयोजी बंधन होता है, ठीक, कोवलेंट बॉन्डिंग होता है, इस कोवलेंट बॉन्डिंग के प्रक्रिया के कारण कार्बन में एक खास गुण पाया जाता है, वो है श्रृंखलन का गुण, वो है श्रृंखलन या कैटिनेशन, श्रृंखलन गुण या कैटिनेशन। तो श्रृंखलन या कैटिनेशन ये है क्या? इसकी अगर परिभाषा देखें तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्डिंग या आबंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता है, यानी कार्बन के अपने परमाणुओं के साथ
बंधन, सहसंयोजी बंधन बनाने की एक क्षमता जो है ये दूसरे यौगिकों के दूसरे परमाणु की तुलना में बहुत ज्यादा है। कार्बन बहुत स्वतः बहुत आसानी से अपने दूसरे कार्बन के परमाणुओं के साथ आसानी से ये सहसंयोजी बंधन बना सकता है, और खाली एक या दो परमाणु मिलके ये बंधन नहीं बना सकते, ये एक बंधन जो है एक लंबी कतार तक चलती जा सकती है, यानी एक बहुत लंबी एक श्रृंखला, एक बहुत लंबी कार्बन परमाणुओं की इस तरह की श्रृंखला बन सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे ये यहाँ पे देखो, कार्बन परमाणुओं ने, एक कार्बन परमाणु ने दूसरे कार्बन परमाणु के साथ एक सहसंयोजी बंधन बनाया, इसने इसके साथ बनाया, इसने इसके साथ बनाया, ये चलता जा सकता है, ये चलता जा सकता है। तो ये जो श्रृंखलन है, इसी को, इस पद्धति को या इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं कैटिनेशन पद्धति, या ये गुण ही है कार्बन का, श्रृंखलन गुण या कैटिनेशन गुण, जिसके जरिए कार्बन जो है अपने कार्बन के परमाणुओं के साथ मिलकर सहसंयोजी बंधन बना के एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। ठीक है, इन यौगिकों में, यानी ये जो यौगिक बन रहे हैं, इन यौगिकों में कार्बन की एक लंबी श्रृंखला, जैसे यहाँ पे हम देखें एक लंबी श्रृंखला बन सकती है, ये श्रृंखला ब्रांच भी हो सकती है, ब्रांच यानी शाखा भी हो सकती है। जैसे यहाँ देखो उदाहरण, यहाँ पे एक शाखा आ सकती है, यहाँ पे एक शाखा बन सकती है, ठीक, एक लंबी कतार रूपी श्रृंखला हो सकती है, एक शाखा रूपी श्रृंखला हो सकती है, या वलय रूपी यानी एक रिंग के रूप में भी ये श्रृंखला हो सकती है, कुछ इस तरह से ये श्रृंखला एक रिंग के रूप में भी हो सकती है। ठीक है, कार्बन के परमाणु, अब ये जो कार्बन के परमाणु है अपने साथ, कार्बन के परमाणु जो है अपने साथ, हो सकता है एक सिंगल बॉन्ड बनाए, हो सकता है ये डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, द्वितीय बॉन्ड भी बना सकते हैं, या हो सकता है ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। कार्बन के परमाणु अपने साथ हो सकता है सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, सहसंयोजी यौगिक कर सकते हैं, एकल सहसंयोजी यौगिक, या द्वि सहसंयोजी बंधन बना सकते हैं, या त्रि सहसंयोजी बंधन बना सकते हैं। ठीक, अगर वो एक बंधन बना रहे, कार्बन के यौगिक जो है, कार्बन के परमाणु अगर एक ही बंधन बनाए, यानी सिंगल बॉन्ड अगर फॉर्मेशन हो, तो उसे हम लोग संतृप्त कहते हैं, संतृप्त बंधन हो रहा है, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यहाँ पर भी ध्यान दो, कार्बन जो है वो सिर्फ अपने ही साथ सहसंयोजी बंधन नहीं बना सकते, वो हाइड्रोजन के साथ भी बना सकते हैं। मोस्टली ये देखा गया है, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बहुत आसानी से सहसंयोजी बंधन बना लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ बना सकते हैं। ये देखा गया कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेनली कॉमन जो हम देखते हैं जो बंधन होता है, वो है कार्बन और हाइड्रोजन का, और इसी को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन कार्बन के वो यौगिक हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलके बंधन बनाते हैं, जहां कार्बन और हाइड्रोजन मिलके, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन में कौन कौन रहेंगे, नाम ही समझ में आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों मिलके, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलके एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, एक शाखा वाली श्रृंखला भी बना सकते हैं, एक वलय वाली श्रृंखला भी बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन में मुख्यतः कौन रहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन रहेंगे। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। और जैसे कि हमने देखा कि कार्बन सिर्फ अपने ही साथ नहीं, वो हाइड्रोजन के साथ भी बंधन बना सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकते हैं, तो ये कार्बन का जो गुण है कि अपने अलावा ये दूसरों के साथ भी बंधन बना सकते हैं, और खास बात ये है, ये जो बंधन बना रहे हैं कार्बन जो है, ये काफी स्थिर होते हैं या काफी स्टेबल होते हैं। और इसका जो मेन कारण क्या है, देखो ये अवन जो अत्यंत प्रबल होते हैं, ये जो बंधन जो बन रहे हैं ये अत्यंत प्रबल या स्टेबल होते हैं, और जिनके फलस्वरूप ये जो यौगिक, जिनके फलस्वरूप जो यौगिक उत्पन्न हो रहा है वो स्थायी होता है, वो क्या होता है, स्थायी होता है। और कार्बन द्वारा ये जो स्थायी बंधन का निर्माण के पीछे, ये जो कार्बन का जो इतना स्टेबल एक बॉन्डिंग बन रहा है, इसके पीछे कार्बन का स्ट्रक्चर या कार्बन का साइज भी है। कार्बन का साइज इतना छोटा है, इस छोटे साइज से होने के कारण ही इसके, जैसे हमने देखा कि ये बंधन कौन से शेल में हो रहा है, कार्बन के एल शेल में हो रहा है, क्योंकि आकार बहुत ही छोटा है, 6 ही तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो एल शेल में ही बॉन्डिंग हो जा रहा है। तो बॉन्डिंग, ये आकार छोटा होने के कारण न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग जो है वो क्या है, वो काफी स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग या बंधन काफी स्ट्रांग होने के कारण जो भी यौगिक बनेगा वो काफी स्टेबल यौगिक बनेगा, जो दूसरे परमाणुओं के केस में ऐसा नहीं है। खास करके जो परमाणु आकार में बड़े हैं उसके न्यूक्लियस के साथ उसके बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की दूरी इतनी ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से टूट सकते हैं, वो अगर वो बंधन बना भी रहे हैं तो वो बंधन आसानी से टूट सकता है, जो कार्बन के केस में या कार्बन द्वारा गठित यौगिकों के केस में ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ।
अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इधर पहले हमने हाइड्रोकार्बन बारे में डिस्कस किया था, अब हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन के वो यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन के हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक था संतृप्त और एक था असंतृप्त, एक था संतृप्त और एक था असंतृप्त, यानी एक था सैचुरेटेड और एक था अनसैचुरेटेड। एक था सैचुरेटेड, एक था अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाला पार्ट कौन सा था? हमने ये भी उदाहरण में देखा था कि जहां पे कार्बन के साथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एकल बंधन होता है, यानी यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन का सिंगल, कार्बन के साथ कार्बन का जो है सिंगल बॉन्ड हो रहा है, यानी एकल बंधन हो रहा है, एकल बंध या अबंध, सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड हो रहा है कार्बन के साथ कार्बन का, उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त। और असंतृप्त के दो भाग थे, इसके दो भाग क्या क्या थे? जहां कार्बन के साथ कार्बन के परमाणु का डबल बॉन्ड हो रहा है, द्विबंध हो रहा है, द्विआबंध हो रहा है, या कार्बन के साथ कार्बन के परमाणु का ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है या त्रिआबंध हो रहा है, ठीक। और ये दोनों ही अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं। अब इस श्रेणी का एक विशेष नाम है, इस श्रेणी को एक विशेष नाम दिया गया है, वो नाम है एल्केन। एल्केन इस श्रेणी को एक विशेष नाम दिया गया है, एल्केन। इस श्रेणी का नाम दिया गया है एल्कीन। और इस श्रेणी का नाम दिया गया है एल्काइन। ठीक है, तो यहां पे याद रखना, हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन द्वारा गठित यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एक है संतृप्त और एक है असंतृप्त, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जहां पे कार्बन के साथ कार्बन का सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन के साथ कार्बन के परमाणु का अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम दिया गया है क्या? एल्केन। एल्केन यानी इस श्रेणी में, एल्केन की श्रेणी में जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा उसके नाम के अंत में हमेशा एन आएगा। अभी हम उदाहरण में देखेंगे किस तरह से आता है, ये हम जानेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि एल्केन किस श्रेणी में आता है। एल्केन आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन के ग्रुप में आता है एल्केन, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। द्विबंध वाले असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो भाग बांटे गए हैं, एक है जहां पे कार्बन के परमाणु के साथ दूसरे कार्बन परमाणु का डबल बॉन्ड होता है, ठीक, द्विआबंध होता है, और इसका नाम दिया गया है एल्कीन। ALKENE यानी नाम के अंत में, इस श्रेणी में जितने भी यौगिक बनेंगे उनके नाम के अंत में ENE आएगा, ENE, एल्कीन का ENE आएगा। और कार्बन के साथ कार्बन का अगर ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे एल्काइन, उस ग्रुप को बोलेंगे एल्काइन। और यहाँ पे नाम के अंत में उस ग्रुप के जितने भी यौगिक होंगे वो YNE आएगा, एल्काइन का YNE, ठीक है, ये हमें याद रख लेना होगा, ये हमें अच्छे से देख लेना होगा। अब हम देखते हैं एक एक करके किस तरह से हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के तत्वों को बनाए, उनका आकार स्ट्रक्चर कैसे होगा, या उन्हें किस तरह से नामांकित करें, उसका नाम क्या होगा, ये भी हम इसके बाद हम अभी जानते हैं, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं, यानी वो वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जो बनते हैं, जिसमें कार्बन के परमाणु के साथ दूसरे कार्बन के परमाणु का एकल बंधन बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, इनके बारे में जानते हैं। बगल में देखो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उस हिसाब से उनका नाम बदलेगा। मेथ, एक कार्बन एटम है तो मेथ पहले आएगा, दो है तो एथ आएगा, किस तरह से आएगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये टेबल हो सके तो तुम लिख लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत काम आने वाला टेबल है, ध्यान से देखो। सबसे साधारण वाला, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन जो हमने देखा था, जिसका स्ट्रक्चर भी हमने बनाया था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया था, कौन सा वाला बनाया था तुम्हें याद होना चाहिए, वो क्या है? मीथेन, ठीक है ना। तो अगर मुझे नाम नहीं मालूम CH4 का, तो उसे देखो इसका नाम हमें कैसे पता चलेगा, इसका नाम हमें कैसे पता चलेगा, अब ये ध्यान से देखो।
CH4 का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? कार्बन एक है और उसके चार हाथ है कार्बन के, क्योंकि वो टेट्रावेलेंट है, इसका वैलेंसी चार है, संयोजकता चार है, इसलिए चार हाथ है, ये भी हमने जाना हुआ था। अब इन चार हाथों में कौन कौन आएंगे? हाइड्रोजन। ये तो अब ध्यान दो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग हुआ है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड हुआ, एक ही बॉन्ड हुआ है, और एक बॉन्ड जब होता है तो क्या बनता है? वो एल्केन बनता है। और हमने नाम कैसे पता चलेगा कि इस सी एच फोर का नाम क्या है? कार्बन कितने? सिर्फ एक कार्बन है, देखो एक कार्बन है, तो शुरू नाम के एकदम पहले आएगा मेथ, नाम के पहले आएगा मेथ। और हमने क्या बताया था? जिस ग्रुप में है ये एल्केन ग्रुप में, तो लास्ट का ए एन ई आएगा, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है, क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो मेथ के बाद आएगा, तो ये हो गया मीथेन। क्लियर? दूसरा एक देखते हैं, C2H6। दूसरा देखते हैं C2H6। अब यहां पे देखो क्या होगा, इसका पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन दो है, दो कार्बन है, दोनों अपने साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़े हैं, इसके चार हाथ। अब चार हाथों में ये हाथ तो कॉमन हाथ था, जो आपस में इन लोगों ने सहयोजी बंधन बना लिया, बाकी के तीन हाथ बाकी है, तीन इधर तीन इधर, और छह, यानी छह हाथ बाकी है। देखो हाइड्रोजन भी छह है, यानी ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएंगे। क्लियर? अब इस चित्र में स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक, सिंगल बॉन्ड है, यानी एल्कीन ग्रुप में है। और अगर एल्कीन ग्रुप में है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? देखो दो कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम है, तो नाम के शुरू में आएगा एथ, ई टी एच। किस ग्रुप में है? एन ग्रुप में, एल्कीन ग्रुप में। लास्ट में क्या आएगा? यानी बन क्या गया? इथेन। क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग देखते हैं C3H8। C3H8 इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर बनेंगे तीन कार्बन है, एक दो तीन। क्लियर? इसके तीन हाथ खाली हैं, इसके दो हाथ खाली हैं, और इसके तीन हाथ खाली हैं, ठीक। और कुल मिला कितने हुए? तीन तीन छह सात आठ। और देखो हाइड्रोजन भी आठ ही है, यानी हाइड्रोजन सिंपल इसके ऊपर बैठा दो, बैठ गए, स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। सारे के सारे जो बॉन्ड हम देख रहे हैं सब एकल बंद, यानी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? तीन, तीन कार्बन एटम, तो नाम किससे शुरू होगा? प्रॉप, प्रॉप से शुरू होगा। किस ग्रुप में है? एल्कीन ग्रुप में है, तो लास्ट में क्या आएगा? इन। तो क्या बन गया? ये बन गया प्रोपीन। क्लियर हुआ? तो ठीक इसी प्रकार से हम बाकी के तत्व जो है, जब यहाँ पे C4 बैठाएंगे तब आएगा क्या? C4H12। सॉरी, यहाँ पे जब बैठाएंगे C4 तब आएगा H10। अब इस फॉर्मूला में ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो इन नंबर्स को देख के ही हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, कार्बन जब वन था तब हाइड्रोजन देखो चार है, कार्बन जब दो है तब हाइड्रोजन देखो छह है। यानी अगर हम ये सोचे कि कार्बन का नंबर, कार्बन अगर एन है, कार्बन अगर एन है तो हाइड्रोजन क्या दुगना हो रहा है? देखो ध्यान दो, हाइड्रोजन की संख्या हो रही है क्या? एन का दुगना प्लस टू, एन का दुगना प्लस दो हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, कार्बन अगर वन है, एन का मान वन है, तो एन का दुगना क्या होगा? टू एन, टू इंटू वन यानी टू, टू प्लस टू देखो फोर, ठीक ठीक। यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला अपनाओ, एन का मान अगर टू है तो हाइड्रोजन कितना हो रहा है? टू इंटू टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, एच सिक्स, ठीक। एन का मान अगर थ्री है, एन का मान अगर थ्री है तो हाइड्रोजन कितना होगा? टू इंटू थ्री सिक्स प्लस टू एट। यानी एल्केन का, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है सी एन एच टू एन प्लस टू। ये निकल गया तुम्हारा एल्केन का फॉर्मूला, सी एन एच टू एन प्लस टू। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पे वन टू थ्री, जब सी फोर बैठाएंगे, जब सी फोर बैठाएंगे तो एच कितना निकलेगा? चार दूनी आठ प्लस दो यानी टेन, सी फोर एच टेन। जब सी फाइव बैठाएंगे तब कितना होगा? पांच दूनी दस बारह, सी फाइव एच ट्वेल्व। क्लियर? तो इस प्रकार से हम आसानी से कार्बन एल्केन ग्रुप के मेंबर्स को लिख भी सकते हैं और उसका नामांकन हम यहाँ कर सकते हैं। अब ध्यान दो, अगर यहाँ सी फोर होता, अगर यहाँ मैं लिखता सी फोर एच एट, सी फोर एच एट नहीं, सी फोर एच टेन, सी फोर एच टेन अगर लिखता, ठीक, तो बोलो तो इसका नाम क्या होता? इसका नाम इस लिस्ट को देख के बताओ। C4 कार्बन एटम्स चार हैं, ठीक, यानी ये होता ब्यू,
ब्यूट बट से स्टार्ट होता, एल्केन ग्रुप में है तो आता क्या, ब्यूटेन, तब आता ब्यूटेन। यही अगर सी फाइव होता, C5 अगर होता तो कितना आता, H12 आता, C5H12, ठीक। तब इसका नाम क्या आता, तब आता पेंट, और यहाँ से एन यानी पेंटेन, तब इसका नाम होता पेंटेन, क्लियर हुआ। अब हम लोग एल्कीन ग्रुप में आते हैं, एल्कीन ग्रुप यानी कार्बन और हाइड्रोजन के वो हाइड्रोकार्बन जहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड हुआ है, कार्बन के साथ कार्बन के परमाणु का द्विबंध हुआ है, वो वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्कीन कहते हैं। अब एल्कीन के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, C2H4। अब तुम यहां देखो, एल्केन के केस में तो हमें क्या मिला था, एल्केन के केस में हमें मिला था CH4 यानी C1, वन से स्टार्ट हुआ था, कार्बन वन से स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहां पे कार्बन टू से स्टार्ट क्यों हो रहा है, यानी यहां पे CH2 ये क्यों नहीं हुआ, ठीक। एल्केन के केस में CH4 से स्टार्ट हुआ था यानी कार्बन 1, उसके बाद कार्बन 2 आया था, फिर 3 आया था, फिर 4 आया था, लेकिन एल्कीन के केस में C2H4 क्यों, CH2 क्यों नहीं है, ठीक। तो ध्यान से देखो, अगर CH2 होता, अगर मान लो CH2 एल्कीन होता तो इसको बनाता कैसे, C उसके चार हाथ बनाता, और यहाँ पे मुझे क्या देना होता, हाइड्रोजन तो सिर्फ दो ही है तो उसके दो हाथ तो खाली रह जाते, क्लियर, उसके दो हाथ तो खाली रह जाते, यानी CH2 पॉसिबल नहीं है। CH2 वाला स्ट्रक्चर जो है यानी CH2 के लिए कोई भी हाइड्रोकार्बन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो हाथ तो उसके कार्बन के खाली रहते, मुझे कुछ और यहाँ पे ऐड करना होता, ठीक, कुछ ऐड करता तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता, क्लियर हुआ। तो इसीलिए CH2 पॉसिबल नहीं, स्टार्ट कहाँ से, C2H4 से स्टार्ट है। अब इसका अगर हम चित्र बनाए तो ध्यान से देखो, C2 दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, चार, ठीक, एक दो तीन चार, ठीक। इसका ये एक हाथ खाली है, ये एक हाथ खाली है, ये एक हाथ खाली है, ये एक हाथ खाली है। अब दोनों को जब पांच ले आएंगे तब जाहिर सी बात है वो एक हाथ तो शेयर कर लिया इन लोगों ने, अभी भी इसके ये दोनों हाथ खाली है, ये दोनों हाथ खाली है, मतलब क्या, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो वो क्या करेंगे, अब उन दोनों इलेक्ट्रॉन को भी साझा कर लेंगे, वो जो दो इलेक्ट्रॉन बच गए उनको भी साझा करेंगे, यानी क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो क्या हुआ, C2H4, क्लियर। यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए कार्बन के, एक दो, यहाँ पे दो है, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एक एक, एक दो, यहाँ पे भी दो है, एक एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक, ऑक्टेट हुआ, यहाँ पे भी कार्बन का ऑक्टेट हुआ, हाइड्रोजन का तो हुआ ही हुआ, ड्यूप्लेट हुआ ही। तो ये क्या बना, C2H4 यानी C2H4 का स्ट्रक्चर बना। अब C2H4 का नाम क्या होगा, C2H4 का नाम क्या है, ठीक। कार्बन कितने हैं, दो है, तो स्टार्ट कहां से होगा, ETH, H से, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी किस ग्रुप में, एल्कीन ग्रुप में, तो एल्कीन ग्रुप में तो लाम के लास्ट में क्या आएगा, एथ के लास्ट में ENE आएगा, तो ये बन गया इथीन, क्या बन गया, इथीन बन गया, क्लियर हुआ, समझ में। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, जहां पे हम देखेंगे C3H6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तीन कार्बन है, एक दो तीन, क्लियर, H6 है तो मुझे दिख रहा है, जाहिर सी बात है इसके ऊपर हम आसानी से एक दो तीन डाल दिए, यहां से एक खाली है, यहां से एक खाली है, ठीक। अब इसको चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, मैं यहां ये वाला हाइड्रोजन अगर यहां रखता हूं, ठीक, ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहां रखा, यहां भी एक हाथ खाली है, ठीक, और अब कितने हुए, एक दो तीन चार पांच छह हाइड्रोजन, यहां पे भी हम एक हाइड्रोजन रखते हैं और इस हाथ को हम खाली कर देते हैं, ध्यान से देखो क्या क्या, यहाँ हाइड्रोजन रखा, यहाँ हाइड्रोजन रखा, यहाँ हाइड्रोजन रखा, ये दो हाथ हमने खाली रखे, क्योंकि इतने हाइड्रोजन तो है ही नहीं, एक दो तीन चार पांच छह हाइड्रोजन, तो ये जो दो हाथ खाली, यानी क्या, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये कार्बन और ये कार्बन आसानी से साझा कर लेंगे, यानी इस तरह से, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। अब ये वाला स्ट्रक्चर तुम चाहते तो इधर भी बना सकते, यानी ये वाला जो ब्रांच है वो तुम यहाँ बनाते और यहाँ पे तुम डबल बॉन्ड कर देते, वैसे भी बनता, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये किसका बना, C3H6 का, C3H6, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यानी किस ग्रुप में, एल्कीन ग्रुप में, कार्बन कितने, तीन कार्बन है, तीन कार्बन है, किससे स्टार्ट होगा, प्रॉप से, और लास्ट में क्या आएगा, ENE, प्रोपीन बन गया, क्लियर हुआ, समझ में आया।
ठीक इसी प्रकार से हम बना सकते हैं इसके अगले वाला C4H8। C4H8 बनेगा। अब C4H8 का नाम क्या होगा, देखो C4 है तो ब्यूट से स्टार्ट होगा, लास्ट में आएगा इन, यानी ब्यूटीन, वो बनेगा ब्यूटीन। क्लियर। अब इसका अगर जनरल फॉर्मूला हमें निकालना है तो ध्यान से देखो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन उसका दुगना है। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन उसका दुगना है। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन उसका दुगना है। यानी यहाँ पे अगर कार्बन का मान n है तो हाइड्रोजन हो रहा है क्या 2n, हाइड्रोजन हो रहा है 2n। यानी इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n, CnH2n। ये होगा जनरल फॉर्मूला एल्कीन ग्रुप के लिए। जनरल फॉर्मूला किसके लिए? एल्कीन ग्रुप के लिए। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आसानी से हम लोग एल्कीन ग्रुप के एलिमेंट्स को भी नामांकित कर सकते हैं और उसको हम लोग सजा भी सकते हैं। अब सजाते समय हमें ख्याल रखना होगा कि जब हम लोग हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कार्बन के हैंड्स के ऊपर, तब ख्याल रखना होगा कितने हाइड्रोजन दिए हुए, ठीक, कितने हाइड्रोजन दिए हुए, उस हिसाब से हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है और कहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें ख्याल रखना होगा कि डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा या किस तरह से होगा। ऐसा ना हो कि आप डबल बॉन्ड बनाते समय, मान लो अगर मैंने यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन को, यहाँ जो हाइड्रोजन पहले था उसे नहीं हटाता और यहाँ डबल बॉन्ड बनाता, तो असल में होता क्या, यहाँ जो हाइड्रोजन था उसे अगर मैं नहीं हटाता और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता तो क्या होता। देखो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, यहाँ पे 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाते। 10 हो गए तो जाहिर सी बात है गलत हो जाता, तो इसीलिए हमने यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन हटाया और यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, उसको हाइड्रोजन को यहाँ रखा और इन दोनों को बॉन्डिंग कर दी। क्लियर, समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप यानी वो वाले हाइड्रोकार्बन जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो यौगिक होता है उसमें कार्बन के साथ कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी 3 बॉन्ड बनते हैं, उसे हम लोग एल्काइन ग्रुप में डालते हैं। अब एल्काइन ग्रुप का सबसे पहले उदाहरण पढ़ते हैं C2H2। ठीक, अब ये एल्काइन ग्रुप में है, क्यों है ये हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर से। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन कितने हैं? 2, 1 कार्बन 2 कार्बन। कितने हाथ है इसके? ये वाला हाथ क्या है, बंधन बना लिया, सहसंयोजी बंधन। इसके कितने हाथ खाली दिख रहे हैं मुझे? 3, 3, 6 हाथ खाली दिख रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन सिर्फ मेरे पास कितने हैं? 2 ही है। ठीक, एक यहाँ रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं। तो अभी इसके कितने हाथ खाली? यहाँ से एक हाथ, यहाँ से, यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तब क्या करेंगे ये लोग, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ के और यहाँ के, ये दोनों आपस में शेयर करेंगे। ठीक, जब दोनों आपस में शेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, इस तरह का बॉन्ड। अभी भी एक एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये भी आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बनेगा। देखो तो क्या बना, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, यहाँ पे 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गए शेयरिंग करने के बाद। ठीक, शेयरिंग करने के बाद यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 बन गए, हाइड्रोजन के 2-2 तो है ही है। क्लियर, तो यहाँ क्या बना, कार्बन और हाइड्रोजन का इन कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन के परमाणु के साथ दूसरे कार्बन परमाणु के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना। और ट्रिपल बॉन्ड जब भी बनता है तो किस ग्रुप में आता है? एल्काइन ग्रुप में आता है, ये हम पहले देख चुके थे। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नेम देखो क्या होगा। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, यानी एथ। किस ग्रुप में है? एल्काइन ग्रुप में, यानी इथाइन। ये बन गया इथाइन। ठीक, एक और उदाहरण देखते हैं, C3H4। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1, 2, 3 हाइड्रोजन कितने? 4 है। ठीक, 1, 2, 3 ये होना चाहिए स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन 4 है मेरे पास, अब 4 रखो, 1, 2, 3 मान लो यहाँ रखा मैंने 4। ठीक, यहाँ से अच्छा अगर हम यहाँ रखें, यहाँ हमने 4 रखा। अब देखो ऐसा ही चित्र यहाँ पे भी दिख रहा है, कितने इसके इलेक्ट्रॉन खाली, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अकेला बैठा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अकेला बैठा है। तो ये दोनों कार्बन क्या करेंगे, ये दोनों कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को साझा करेंगे, यानी तब इसका चित्र बन जाएगा कुछ इस तरह का, C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर, देखो कितने कार्बन, 1, 2, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन के साथ कार्बन परमाणु का कौन सा बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ। और जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा किस ग्रुप में आएगा, एल्काइन ग्रुप में आ रहा है, यानी एल्काइन ग्रुप में, यानी स्ट्रक्चर देख के हम बता सकते हैं किस ग्रुप में जाएगा। और स्ट्रक्चर देखने के बाद हम इस टेबल के जरिए भी उसका नाम भी बता सकते हैं, कैसे, कार्बन कितने, 3 कार्बन है तो आएगा प्रॉप, और लास्ट में क्या आएगा,
आयन यानी प्रोपाइन, ये बन गया प्रोपाइन। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार से अगर होता है C4, ठीक उसी प्रकार से अगर होता है C4H6, अब इसका क्या नाम होता है, C4H6 का क्या नाम होता है, स्ट्रक्चर तुम प्रैक्टिस कर लेना, घर में प्रैक्टिस करो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, जो हमने तरीका समझा उस तरीके से करो। नाम क्या होगा, टेबल देखो, बताओ, चार है तो ब्यूट, और लास्ट में आएगा आयन यानी ब्यूटाइन, तब नाम होगा ब्यूटाइन। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो हमारे सिलेबस में मैक्सिमम कार्बन की संख्या 10 तक जा सकती है, 10 तक आएगा तो नाम होगा डेक, और अगर एल्काइन ग्रुप में तो डेकाइन आएगा, अगर एल्कीन ग्रुप में तो डेकीन आएगा, और एल्केन ग्रुप में तो डेकेन आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरह से हम आसानी से कार्बन के यौगिकों को वो संतृप्त है कि असंतृप्त है ये भी बता सकते हैं, सिर्फ बॉन्डिंग इसका स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि असंतृप्त है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हुआ है, डबल बॉन्ड होता तो भी असंतृप्त होता, अनसैचुरेटेड होता, और सिंगल बॉन्ड अगर है तो वो क्या बनेगा, तो वो संतृप्त बनेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। नाम किस तरह से करते हैं वो भी हमने समझ लिया है, ठीक है।